तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और हम लोग क्लास टेंथ एक पोएट्री के 7 चैप्टर जिसका नाम है फॉग, सबसे छोटा चैप्टर, दो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन का ये पूरा चैप्टर है, यानी कह सकते हैं कि एक ही लाइन का पूरा ये चैप्टर है, ज़्यादा एक ही स्टैंजा का चैप्टर है। तो बहुत इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका एक स्टैंजा पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके बैठ जाना है। तो बस ये 3 ही लाइन इसमें दी गई है जो आपको पढ़नी है। तो प्लीज़ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, सबसे पहली बात, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, अगर आपको ऐसे ही प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये पूरे चैप्टर की नोट्स, पूरी पोएट्री की नोट्स आपको आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर छोटा सा चैप्टर है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कहते हैं कि जो फॉग है, जो कोहरा है, वो जैसे एक बिल्ली छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती है, उसी तरह से जो फॉग है वो भी धीरे धीरे आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, हर जगह देखने को मिलता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, कुछ देर तक रुकता है और ठहरता है और उसके बाद चला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि द फॉग डज नॉट फॉल ऑन हार्बर एंड सिटी, कि जो फॉल है वो क्या हार्बर किसी बंदरगाह या सिटी पे नहीं फैलता? तो ऐसा नहीं है, यानी ये फॉल्स है, गलत है यहाँ पर, वो ट्रू है, यानी हर जगह पर फॉग जाता है, कोहरा छाता है, कोहरा आता है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, फॉग जो पोएम है उसके जो राइटर कौन है? तो द पोएट ऑफ द पोएम इज फॉग इज कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग इसके चैप्टर के राइटर हैं। उसके बाद द फॉग इज कंपेयर टू, जो फॉग है कोहरा है उसको कंपेयर किससे किया गया? कैट से या मंकी से? तो ऑब्वियस सी बात है, कैट से इसको कंपेयर किया गया। द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फर्स्ट लाइन, फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया है इस पूरे लाइन में? तो यहाँ पर आंसर है इसका, पर्सनिफिकेशन किया गया है, क्योंकि फॉग एक नॉन लिविंग थिंग है और इसे कैट से क्या किया गया है, कहीं ना कहीं से कैट से कंपैरिजन किया गया है, तो कैट की तरह बताया जा रहा है फॉग को। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है जिसका नाम है मानवीकरण करना। तो देखिए, बहुत छोटा सा ये हमारा चैप्टर था और ये ख़त्म भी हो गया, आप सोच नहीं सकते, शुरू होते ही ये ख़त्म हो गया है। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर, सॉरी सप्लीमेंट्री भी हो गया है, पोएट्री भी हो गया है, और अब हमारा जो शुरू होगा वो होगा प्रोज का पहला चैप्टर, लेटर टू गॉड, उसके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर उसके, और ऑप्शनल यानी जो MCQs टाइप के होते हैं वो। आपके ग्रामर का वीडियो चल ही रहा है, आपके ग्रामर में नरेशन हो गया, वॉइस हो चुका है, सेंटेंस हो चुका है, टेंस हो चुका है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। और अभी ये आपका सिलेबस पूरा होने के बाद, मैं आपको वादा करता हूँ नवंबर में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे और उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लास टेंथ में आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश कैसे हो सकती है, उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, और दोस्तों को जरूर शेयर करना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और हम लोग का अगला चैप्टर होगा लेटर टू गॉड प्रोज का पहला चैप्टर। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।